विरसा और हेमन वापस आ गए हैं बच्चे के साथ। अब कहाँ? आपके रूम में है क्या? नहीं, जो तुमने घर लेके दिया है वो वहां पर है। बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम वर्षा को अब छोड़ दो। उनका कहना है कि जानता हूं, वो कहते हैं कि वर्षा को छोड़ दोगे तो जूबी तुम्हें सब कुछ वापस लौटा देगी। मामा, मुझे ऐसी कारोबारी सोच से सख्त नफरत है। तुम्हारी इस बात से तो ऐसे जाहिर होता है कि तुम वर्षा को तलाक देना ही नहीं चाहते। नहीं, फिलहाल मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ये जानता हूं कि मेरे ना चाहने के बावजूद वर्षा मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकते। उसने धोखा दिया मुझे। मैं कल वर्षा से मिलने जा रही हूं। तुम मिलना चाहते हो उससे? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मां, लेकिन उससे नहीं मिलूंगा। मेरी बेटी क्या कर रही है यहाँ पे अकेले? हाँ अम्मी, वो मेरा ना बहुत दिल करता है कि मैं क्रिकेट खेलूं। क्रिकेट? लड़कियां कहाँ क्रिकेट खेलती हैं, पगली। अच्छा बाबा, खेल लेना, किसने मना किया है? हाँ, आपको पता है यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स क्रिकेट टीम है ना, उसके लिए मेरी सारी दोस्तों ने कहा था कि मैं अपना नाम लिखवा लूं, मगर मैंने नहीं लिखवाया। क्यों, क्यों नहीं लिखवाया? तुम मना करते थे तो। मेरी जान, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे अब्बू कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं मना कर सकते। तुम एक दफा बात तो करके देखो। बात तो ठीक है वैसे आपकी, अब्बू मेरी कोई बात मना तो नहीं करते, आखिर हुई मैं स्पेशल। हाँ, बस मेरी शामत आ जाएगी कि देखो मेरी बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें याद है जब तुमने पहली दफा रोटियां बनाई थी? उफ, मैं क्या बताऊं, तुम्हारे अब्बू ने एक एक को रोक रोक के बताया था कि सारी रोटियां मेरी बेटी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाई है। उफ, कितना खुश हुए थे ना वो इस बात पे। हाँ, तो होना भी ऐसे ही चाहिए, आखिरकार मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, वो मेरे प्यारे अब। अरे ये फातिमा को क्या हो गया? आप ही आप मुस्कुराना शुरू हो गई, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है?